किसानों को दीपावली का तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को रबी की 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें चने की मौजूदा एमएसपी में 5230 रुपए पर 105 रुपए बढ़ाकर 5335 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई, तो वहीं मसूर पर भी एमएसपी 5500 रुपए पर 500 रुपए बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की गई। साथ ही गेहूं की एमएसपी 2015 रुपए पर 110 रुपए बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। वहीं जौ की एमएसपी में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली है, 1635 रुपए पर 100 रुपए मात्र बढ़ाकर 1735 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। इसके अलावा सरसों और सूरजमुखी की एमएसपी भी बढ़ी है, जिसके चलते स्थानीय बाजारों में मसूर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली और बिकवाली कमजोर होने के चलते 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी भाव में देखने को मिली है। मसूर बढ़कर 6600 रुपए से 6650 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंची है। इसके समर्थन में मसूर दाल भी 100 रुपए बढ़ाकर बोली गई है। दूसरी ओर तुअर में अपेक्षित ग्राहक की नहीं होने से भाव में 100 रुपए की मंदी देखने को मिली। तुअर महाराष्ट्र सफेद 7500 से 7700 रुपए, कर्नाटक 7700 से 7900, जबकि निमाड़ी तुअर 6700 से 7100 रुपए प्रति क्विंटल बोली गई है। वहीं मूंग दाल और मूंग मोगर में भी चारों तरफ से डिमांड देखने को मिल रही है, जिसके चलते 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी मूंग दाल और मूंग मोगर में देखने को मिली है। वहीं चना काबुली में ऊंचे दामों पर खरीदार पीछे हटने से कंटेनर के भाव 200 रुपए नीचे गिर चुके हैं। कंटेनर में काबुली चना 40 से 42 12600, 42 से 44 12400 और 44 से 46 12200 और 58 से 60 11400 और 60 से 62 11300 और जबकि 62 से 64 11200 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिला है। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि त्योहारी सीजन के चलते मसूर की कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।